तो गाइस आज की वीडियो में आप सबके लिए 5 आई अथॉरिटी डू फॉलो बैकलिंक्स मैं आपको शेयर करूंगा। जैसे कि आप नोटपैड पे देख पा रहे होंगे गाइस, ये पहली वेबसाइट है, ये दूसरी वेबसाइट है, ये तीसरी वेबसाइट है, ये चौथी वेबसाइट है, ये पांचवी वेबसाइट है। तो गाइस 5 वेबसाइट मैं आज की वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगता है तो गाइस वीडियो पर जरूर लाइक करो करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, और उसके साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। उसके अलावा जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चन होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा गाइस कमेंट में जरूर बताओ जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जो वर्क करता है, जो SEO करता है, तो गाइस उसके रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए कि रैंकिंग कैसे लेके आए या कीवर्ड रिसर्च कैसे करें और किस तरह से ट्रैफिक जनरेट करें, तो गाइस वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस ये पहली वेबसाइट है। सबसे पहले गाइस जब भी आप बैकलिंक्स बनाते हो उस वेबसाइट का DAPA स्पैम स्कोर और डोमेन रेटिंग जरूर चेक करा करो। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे DAS का 40 है, PAS का 31 है और ये 8 साल पुरानी वेबसाइट है और स्पैम स्कोर खाली 1% है और डोमेन रेटिंग आप देख सकते हो वो है 58। तो गाइस इस वेबसाइट में बैकलिंक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे टॉप पे जो है आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, और उसके अलावा आपको आई एम नॉट रोबोट पे चेक करना है, और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा, साइन अप होने के बाद यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरा जो अकाउंट है मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा था। तो गाइस जैसे आप साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद साइड में जो है आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा और बाकी सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस आप अपडेट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, बायो का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, एक कंटेंट आपको बनाना है 2 से 3 लाइन का कंटेंट, और उसके साथ आपको HREF कोड आपको यूज़ करना है। अब ये कोड कैसे यूज़ करना है, URL की जगह URL आ जाएगा, कीवर्ड की जगह आपका जो भी आपका जो कीवर्ड है कीवर्ड आ जाएगा, और इस कोड को कॉपी कर लेना और अपने कंटेंट के साथ पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको साइड में जो है व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आपका जो लिंक है वो लाइव दिख जाएगा। अगर मैं अगर इंस्पेक्ट कर दिखाऊँ तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। अब इसी तरह से गाइस ये सेकंड वेबसाइट है। अब सेकंड वेबसाइट पे भी आपको सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहले गाइस वेबसाइट का DAPA और स्पैम स्कोर चेक कर लेना, उसके बाद DRB चेक कर लेना। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्पैम स्कोर खाली 1% है, और जितनी भी वेबसाइट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आज की वीडियो में ये सारी स्पैम स्कोर जो है 1% है। तो गाइस बैकलिंक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है जो सबसे टॉप पे है, मीन्स वहीं पे आपको रजिस्टर का भी ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपका यूज़र नेम, ईमेल आईडी, फिर पासवर्ड, फिर उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे टिक कर देना। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद साइड में आप देख पा रहे होंगे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली एडिट प्रोफाइल पे जाना है, और वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे, और वहीं पर आपको बायो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सेम कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट कर देना। आप एक कंटेंट कम से कम 5 जगह आप यूज़ कर सकते हो, या उससे ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन 5 जगह कम से कम 5 जगह आप यूज़ कर लेना, और उस कंटेंट के अंदर आप HREF कोड आप यूज़ कर लेना, और कोड कैसे यूज़ करना है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगा, और साइड में आपको व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपली व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपका जो लिंक है वो आपको लाइव URL आपको मिल जाएगा, और इस लिंक को अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो गाइस यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स। इस तरह आपने अभी बैकलिंक्स क्रिएट करा, उसी तरह से बाकी की वेबसाइट्स पे भी आप बैकलिंक्स आप इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, सेम स्टेप्स है, लेकिन आपको बैकलिंक्स का लिस्ट आपको कैसे मिलेगा, आपको सिंपली व्हाट्सएप चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, और जिसने भी फॉलो नहीं करा जल्दी जाओ व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लेना। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच गाइज।